बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रूल ऑफ रॉक इज़ UNODC का और ब्रिटिश हाई कमीशन का एक मुश्तरका बलूचिस्तान हुकूमत के साथ चल रहा है, जिसके लिए हम उनके मशकूर भी हैं जो नेताओं कर रहे हैं। और आज के सेशन जो था उसमें एक दूसरे के जो अचीवमेंट्स थे वो एक पेश किए जा रहे हैं। इनके लिए सूबाई हुकूमत ने अपने PSDP में पैसे रखे हैं, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है और ये अपने सपोर्ट के मुताबिक अपने रिजल्ट्स और वो भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी हुई है, जो उन्होंने सब अपनी रिपोर्ट्स पेश की तो उसमें काबिल कदर कामयाबी इनको हुई है। हर ये सबका मुश्तरक मिशन है। सूबाई हुकूमत आखिर तक जब तक इस क्राइम्स को मियाँ से ख़त्म नहीं करते उस वक्त तक हम साथ काम करें। हुकूमत बलूचिस्तान ने अपने आप से भी बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए। जब कोई इस मकसद के लिए आ जाए कि आपकी मदद करना चाहता हूँ तो हमसे वेलकम करते हैं। वैसे माशाल्लाह हुकूमत बलूचिस्तान ने भी इसमें काफ़ी कामयाबी हासिल की। टुडे एक्चुअली इज द फोर्थ स्टीयरिंग कमेटी दैट इज बीन हैज बीन हेल्ड इन बलूचिस्तान। दिस इज कनेक्टेड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव दैट हैज बीन UNODC हैज बीन सपोर्टिंग द गवर्नमेंट of Balochistan and the criminal justice institutions to improve and to initiate reform in the area of rule of law. Now this is the fourth one, as I told you. Since we have started in 2017 together by developing the rule of law roadmap in Balochistan, it has been really an exemplary model for the whole country. And Balochistan now is leading, you know, in this initiative and providing, you know, support to other provinces as they have been very successful, you know, in this endeavor. Now, how they are supporting? Because what is the reason and what is the secret behind that? The secret is the government commitment, of course, the ownership, the continuous work and belief in this type of work. Even though it is, you know, we have taken a different, a new approach in initiating reform, but this approach has proven successful so far because it is inclusive. It brings all criminal justice institutions together and other stakeholders, and also it is a results-based approach, meaning that it is based on evidence and collecting information, data, to inform, you know, the leadership of institutions of progress based on set provincial targets. So I am very proud of this, you know, project in particular, and we keep committing, you know, with Balochistan to continue and work with them in this for rule of law reform. एक इंतहाई अच्छा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से शुरू हुआ है, जिसका मकसद ये है कि हम अपनी सोसाइटी में वो लोगों को इंसाफ हम मुहैया कर सकें, हमारे इंसाफ के इदारे बेहतर हो सके, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो लेवीज़ है, चाहे वो प्रिजन है, चाहे वो जुडिशरी है, ये तमाम इदारे जो जस्टिस सेक्टर के हैं या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हैं वो बेहतर हो सके। और जहाँ जिस सोसाइटी में इंसाफ होगा, जिस सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होगी, जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होंगे, वो न सिर्फ जो है ना वो वैसे बेहतर सोसाइटीज़ होती हैं, बल्कि जो है ना वो डेवलपमेंट के हवाले से भी जो है ना उस सोसाइटी में काफ़ी जो है ना वो डेवलपमेंट के काम शुरू हो जाते हैं। लोग आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, फॉरेन कंट्री से लोग आकर इन्वेस्ट करेंगे, हमारे लोकल इन्वेस्टर्स आकर जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। चूँकि कमज़ोर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की वजह से लोगों का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म हो चुका है। हम चाहते हैं कि इस ट्रस्ट कॉन्फिडेंस को बहाल कर सके। नो डाउट कि हमारे इदारे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो जुडिशरी है वो अच्छी इंतहाई बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो लेवीज़ है, चाहे प्रिजन है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये इदारे परफॉर्म बेहतर नहीं कर रहे हैं, चूँकि इनके पास वसाइल की कमी है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप जाकर देखें कि लोगों के ऑफिसर्स के पास घर नहीं है, लोगों के ऑफिसर्स के पास जो है ना वो ऑफिसेज नहीं है, उनका लॉजिस्टिक, उनकी गाड़ियों का इशू है। इस तमाम के असरात जो है वो बराह रास्त आपके काम पे होते हैं, उसका आपका काम मुतासर हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना वो पूरा सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो है ना हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इनके ये मसाइल हल करें, ताकि उसका ओवरऑल इम्पेक्ट जो है वो बेहतर इंसाफ पे और इन इदारों की बेहतरी और इनके जो है ना कैपेसिटी के इम्प्रूवमेंट पे हो। तो इस प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद इन इदारों में इस्लाहात है।